सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह, एडवाइजर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और चेयरमैन ऑफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, आप सबको वन रैंक वन पेंशन का लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूं। साथियों, आप सबको मालूम है कि आज की प्रेजेंट सरकार ने और इससे पहले वाली सरकार ने हमें वन रैंक वन पेंशन देने का कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। पार्लियामेंट में भी इसको दोहराया गया, लेकिन अभी तक सरकार ने असली वाली वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं करी। हमें 15 जून 2015 को एक मूवमेंट स्टार्ट किया पूरे देश भर में असली वाली वन रैंक वन पेंशन के लिए। 7 नवंबर 2015 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का एक नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन उन्होंने परिभाषा उसकी जो पहले से मान्यता दी हुई थी उसको चेंज कर दिया और जो लागू किया वो असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं थी। साथियों, आप सबको मालूम है, लेकिन एक बार फिर मैं सभी के इंफॉर्मेशन के लिए दोहराता हूं, जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन वन रैंक वन पेंशन की है, जो 17 फरवरी 2014 को पार्लियामेंट में उसको अनाउंस किया गया, फिर एक 26 फरवरी 2014 की लेटर में इस कॉन्सेप्ट को दोहराया गया और डेफिनेशन को दोहराया गया। यही डेफिनेशन इससे पहले 2009 को एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने भी लिखा और फिर कुशियारी कमेटी बनी पार्लियामेंट के एमपीज की, जो कुशियारी साहब थे वो उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी ने भी वन रैंक वन पेंशन देने का रिकमेंडेशन दिया और उसकी परिभाषा भी लिख दी। साथियों, पता नहीं क्यों जब ये सरकार ने लागू करी तो उसमें जो डेफिनेशन दे रखी थी कि डिफेंस पर्सनल जो रिटायर होते हैं जिसका रैंक एक है और उसकी टोटल सर्विसिंग ईयर्स एक है, उसको एक जैसा पेंशन मिलेगा चाहे रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। और दूसरा भाग इसका था कि जब जब फ्यूचर में दर बदली होगी इस पेंशन की तो वो बदली हुई दर ऑटोमेटिकली सभी पिछले वाले एक्स सर्विसमैन को पास की दर जाएगी। साथियों, जब सरकार ने अनाउंस किया था, नोटिफिकेशन निकाला 7 नवंबर 2015 को, तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि ये जो वन रैंक वन पेंशन भाग वन है वो तो एक जैसी होगी, लेकिन जो दर बदली होती है उस दर को ऑटोमेटिकली पास करने के बजाय पीरियोडिक इंटरवल के ऊपर उसको अपडेट किया जाएगा। और उन्होंने उस वक्त पीरियोडिक इंटरवल 5 साल रखा, जो 1 जुलाई 2019 को भी खत्म हो गया, लेकिन सरकार ने इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन नहीं करा। लेकिन ये वो परिभाषा नहीं है कि ऑटोमेटिकली पास करने का। तो साथियों, 9 जून 2016 को हम पूर्व सैनिकों ने एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया असली वाली वन रैंक वन पेंशन के लिए। श्री राम जेठमलानी जी स्वर्गवासी, वो हमारे एडवोकेट थे और उन्होंने ये वायदा किया आकर जंतर मंत्र पे कि हम जब तक जिंदा हैं हम आपको असली वाली वन रैंक वन पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से लीगल अथॉरिटियों से लेने के लिए वचनबद्ध हैं। आज हम उनको याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा और उसकी लास्ट हियरिंग 30 जुलाई को अभी 2021 को थी, लेकिन
दो दिन पहले ही हमारा नाम केस का उसमें से निकाल दिया गया। साथियों, इसकी वजह या लॉजिक हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमारी ये गुजारिश है और हमारी ये सोच है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से असली वाली वन रैंक वन पेंशन मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के 6 डॉक्यूमेंट्स में असली वाली वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा दी हुई है, और वो है जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज या कुशारी कमेटी में या 26 फरवरी 2014 की गवर्नमेंट की लेटर में दी हुई है। साथियों, हम अपने पूर्व सैनिकों को, हमारी विडो बहनों को, हमारे पूर्व सैनिकों के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको ये वादा करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि सैनिकों को असली वाली वन रैंक वन पेंशन जिसका आपने वायदा किया और कई जगह पे दोहराया और ये भी माना कि अभी तक पूरी तरह से उन्होंने वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया, कुछ उसमें त्रुटियां हैं। साथियों, आपको मालूम है कि 1 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में इंटरम ऑर्डर में ये एमओडी को बताया कि वो ये जो त्रुटियां हैं वो हैं और उन त्रुटियों को रिजॉल्व करिए, जो पिटिशनर्स हैं उनके साथ और ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सर्विसमैन की उनके साथ। साथियों, हमें अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुई जो त्रुटियां हैं। हमने आज के डिफेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग मांगी, हमें मीटिंग नहीं मिली। एक मीटिंग बहुत कोशिश करने के बाद 1 जुलाई 2019 को मिली, लेकिन उसमें उन्होंने बोला मैं अभी अभी डिफेंस मिनिस्टर बना हूं, आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो यहां मुझे दे दें। हमने उनके ऑफिस में दिया, पूरे जो एक्स सर्विसमैन की टीम थी, और उन्होंने दोबारा 10 दिन के बाद बुलाने के लिए वायदा किया, लेकिन साथियों अभी तक हमें बुलाया नहीं गया। हमने तकरीबन हर महीने एक चिट्ठी डिफेंस मिनिस्टर साहब को लिखी मीटिंग के लिए, और प्रधानमंत्री जी को भी हर 3-4 महीने के लिए चिट्ठी लिखी कि हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन दें। हमारा जो एक्स सर्विसमैन का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है DSW, उन्होंने तो इसका बिल्कुल ही अपना जो ड्यूटी था उसमें से दूर हट गए। उन्होंने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो पिटिशनर हैं उनको एक्स सर्विसमैन की जो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है उसमें भी नहीं बुलाते। साथियों, 13 जुलाई को एक लेटर आया जिसमें सभी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया। 14 को उन्होंने हमारा जो हम पिटिशनर थे हमारा नाम बीच में से निकाल दिया। साथियों, हमने सेक्रेटरी DSW को टेलीफोन के ऊपर बातचीत करके ये कहा है कि आप हमें बुलाएं और जो त्रुटियां उसको दूर करें। हम प्रधानमंत्री जी को, अपने डिफेंस मिनिस्टर को, अपने तीनों चीफ्स को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स एंड नेवल, सभी को गुजारिश करते हैं कि हम पूर्व सैनिकों को असली वाली वन रैंक पेंशन दिलाएं, ताकि जो हमारा हक है, जो हमारे साथ इंसाफ है वो पूरा हो, और आने वाले जो पूर्व सैनिक बनते हैं हर साल 60,000 के करीब एक्स सर्विसमैन बन जाते हैं। हमारे देश में इस वक्त तकरीबन 25 लाख एक्स सर्विसमैन हैं और तकरीबन 6,45,000 विडोज हैं और उनके डिपेंडेंट्स। साथियों, हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन जो उन्होंने रेवाड़ी में वायदा किया था वो पूर्ण रूप से लागू करवाएं। हम उनके दिल तह से शुक्रगुजार होंगे। सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हिंद।